हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। और अभी सुबह का टाइम हो चुका है, पूजा हमने कर ली है, पीछे दिया जला हुआ है और अभी जो है बनाना है नाश्ता। ये देखिए अन्निका आप सभी को हेलो बोल रही है। और बॉबी दीदी जो है अभी कपड़े धोने के लिए लग चुकी है। वो मणिका के टॉयलेट के कपड़े हो रहे थे ना, तो अन्निका के भी थे, तो सभी के कपड़े धोने के लिए लग चुके हैं। और वाणिका उधर है अपने पापा के पास। वाणिका हेलो बोलो बेटा। रो रही है, इसे खांसी जुकाम ज्यादा हो रहा है। हेलो और ये चीज देख रही। हेलो। और तीनों बच्चों की तबीयत जो है डाउन है बहुत ज्यादा, खांसी जुकाम ज्यादा हो रहा है। तो अभी करते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। नाश्ते में है आलू के पराठे। चलो बेटा पराठे बना लूँ मैं। अन्निका के पापा इधर सुबह सुबह वीडियो एडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो कल वाली वीडियो है ना, तो उसे एडिट भी करनी है। तो अभी सारा काम ऐसे ही चल रहा है। ये देखो वो दीदी के जो कपड़े वपड़े थे ना निकाल के उन्होंने ऐसे यहाँ पे रख दिए हैं, लेकिन इधर सिलवाएंगे। बैग भी रखा हुआ आपके पीछे। तो चलो जी कोई नहीं, पहले नाश्ता करते हैं और फिर अपना काम करते हैं घर का जो है। तो मम्मी अभी भी किचन में है, चाय बनी है, तो चूल्हे पे बनाएंगे चाय बनी। मम्मी हाँ उसमें मम्मी चाय को देख रही है, क्योंकि चाय बनने के लिए रखी रही थी मैं। और जी अभी यहाँ पे चलो बाल मारो, बाल हंडी का आ जाओ, आओ आओ आओ, चलो 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 आओ भाई के पास चले, छोटे हैं भाई के। आजा आजा, छोटा भाई हो रहा देख, आजा छोटा भाई। ये हो चुके हैं तैयार, तैयार हो गए हैं तैयार। वाणी का तैयार, रेडी का तैयार है, इसकी नानी जी तैयार है, और मम्मी भी तैयार तैयार है। का जा रहे हैं हम हैं, वाणी का की बोझी के तैयार। ये भी तैयार, हूँ तो इन पे सामान नहीं होता, नहीं हूँ तो इन पे सामान नहीं होता। ये नीचे का सारा उससे भरा का कॉस्मेटिक के सामान तो ये हाँ नीचे फुल भरा का फुल है बिल्कुल एकदम। कहाँ है इतना? और मैं बताऊँ, मुझे कह रही थी वंदना कि क्रीम क्रीम लगाओगे कि कुछ लगा नहीं सी, क्रीम क्रीम कुछ नहीं लगाते। और आप लगाई दिनों पे वाणिका ए वाणिका, मम्मी भी तैयार हैं। सबसे पहले मैं तैयार, सबसे बाद में लगी थी सूट बाल गए बट तैयार। इसके बाल बहुत। अभी हम हो चुके हैं तैयार सभी, तो अन्निका के पापा रह गए हैं सिर्फ तैयार होने के लिए, वे नहाने लग रही है। और हम आपको सभी को दिखाते हैं कि कौन कौन कैसे तैयार होगा। घर में जो है थोड़ा सा माहौल खराब यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि वाणिका ने पोटी कर दी सारे गद्दे गद्दे तो इसलिए धो के डाल के आगे ऊपर छत पे से पूरा ही गद्दा धो दिया। वाणिका देखो देखो वाणिका, अन्निका के हाँ भी ऐसे ही पहन दिया अभी। और ये अभी नीचे आ गई, कह रही कि मुझे गोद में ले लो। चलो भाई देखो चारों जने आवागे ना, ये देखो तैयार हो गए, सोना बाबू बन गया हमारा लड्डू। तो वाणिका भी सोना बाबू बन गई। वाणिका वाणिका है ना, वाणिका का भी खराब हो जाएगा सारा का सारा, जितना मेकअप करा का ना सारा खराब होना। और इसकी साई है ना बहुत ही ज्यादा लगी, वाणिका की भी इतनी लगी देखो। हाँ वाणिका की भी पूरी बरक के डर है, थोड़ी सी है। क्या हुआ वाणिका? हे कुछ पाई क्या हो गया वाणिका के साथ? तो कुछ है, और जो कन्नू ना इसके थोड़ा इसके साथ शरारत सी कर दिया ना, तो इसी वजह से। तो भैया भी इधर तैयार हो गया अपना कैमरा लेके, और कन्नू भी तैयार हो गया है। कन्नू कहाँ है बेटा, इधर आओ। चलेंगे घूमने चलेंगे, चलो घुमा के लाते हैं। और कन्नू छोटा भाई बन रहा है वो अन्निका वाले ना, तो चला। तो अभी नानी और द्रौपदी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वाणिका फिर से तैयार हो गई है, दूसरे कपड़े चेंज कर दिए इसके, ये देखो। और अभी बॉबी दीदी बोल रही है कि अन्निका जो हाफ निक्कर पहन रही है ना, तो इसी भी निक्कर ही बनाओगे ड्रेस दोनों बहनों को, तो दोनों के सेम सेम ऐसे ही हो गए, मतलब कलर चेंज है, वैसे डिजाइन एक ही है कपड़ों का यहाँ पे। और ये पहचानने लगी से पता मेरा नाम वाणिका है जी। अभी तैयार हो गए हैं, व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट, अच्छा लग रहा। बाय बाय कर दो सभी को, भैंस को भी, गाय को भी, गाय को भैंस को। देखो थोड़ी देर में मिलेगी, एक घंटे बाद दो घंटे बाद है। हाँ अभी हम चल दिए हैं बैठकर, ये देखिए यहाँ पे और ये आगे बैठ लिए हैं कन्नू भैया और अन्निका के पापा।
अर्णिका मेरी गोद में और वानिका इधर है, मम्मा की गोद में अपनी है वानिका। अर्णिका लड्डू देखियो, लड्डू इसमें देखियो। ये देखो अर्णिका को बहुत अच्छा लग रहा आज, सभी के साथ जा रहे हैं ना घूमने। जय बोलो बेटा, जय श्री राम बोलियो, जय बोल दो, जय श्री राम, जय श्री राम। ये है बकरिया बहुत ज्यादा, ये देखो बकरिया गोटा गोटिया गोट गोट नु कह रहे बकरिया गोट, मैं गोट भी है बकरी भी। अभी हम पहुंच चुके हैं दीदी के यहाँ पे और कन्नू नीचे से नहीं आ रहा है क्योंकि उसके पापा भी गए हैं मार्केट, मार्केट से बाहर ही है इधर दीदी का घर, तो ये हो गए इधर बैठक और हम आपको मिलते हैं सभी से, मतलब कि दीदी है यहाँ पे जो वो है वो नहीं है यहाँ पे। तो अभी जो दीदी है खाना बनाने कर रही है तैयारी इधर दीदी इनसे, और जी हम आए हैं चार पाँच जगह आए हैं यहाँ पे, अन्य पापा और भैया गए हैं अभी मार्केट में, तो और तो है नहीं आदि जी शायद है ना, दीदी नहीं है तो हम आपको बैक कैमरे से दिखा देते हैं सर इधर से, ये देखो और इधर हो गया जिन्ना, ये किचन वॉश बेसिन, ये हो गया किचन इधर, और ये हो गया रूम, और मम्मी दीदी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं सोच रही पहले ही मिलवा दूँ। बहू है वे नहीं है यहाँ पे है ना, बहू अपने मायके गई है होली की वजह से, तो ये देखो जी, हाँ जी अभी वानिका अपनी नानी के साथ यहाँ पे खेल रही है, इसे भी अपने पापा के साथ बाहर जाना, कन्नू की तरह अभी जिद्दी होगी बहुत ज़्यादा है, अर्णिका की तरह जिद्दी होगी बहुत है, जिद्दी होगी ना तेरी पिटाई हो रही हिलाने की आदत डाल लेगी, बस ऐसे हिलाओ जो हैं, हिलाना चाहिए तुझे, हिलना है तुझे पिटाई कर, और जिसे कूदना बहुत अच्छा लगा, जिसे ऊपर कूद, हाँ किन्ने मारा क्या बात होगी है, बात नहीं करता तेरे साथ कोई, बात नहीं करता, बात नहीं कर रहा भाई वाणी का साथ। अभी जो है यहाँ पे दीदी लग चुकी है काम करने के लिए अभी घर से काम कर गए तो यहाँ पे भी कर लेंगे कोई नहीं जी। अभी जो दीदी है अभी बैठी हुई है मम्मी के पास में, और जो दीदी है, और एक और बात बता देते हैं आपको, मेरी दो रिलेशन है, एक तो दीदी की ओर से और एक जो मेरी मम्मी जी है ना, मम्मा जी की वाइफ उनकी सगी भान जी है तो दो रिश्तेदारी होगी यहाँ पे, तो इसी वजह से फिर ये ना बोलिए कि आप पल्ला नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, पहले से ही जानते हैं हम दीदी को यहाँ पे, तो कोई नहीं जी अभी तो ननंद की ननंद लगती है और पहले मामी जी की भांजी थी तो दीदी लगती थी, अभी ननंद के किचन में आते लग गए हम काम पर। हाँ जी, और जी खाने में बन रहा है पनीर और चावल और रोटी, सलाद काट दिया है, भून दिया है, और ये देखिए जी सलाद वगैरह काट दी है और प्याज वगैरह है, हम तो खाना खा के आए हैं घर से, हाँ जी चावल जो है निचोड़ रहे हैं अभी, जो माल उतारना है इसका, और गांव में सिर्फ चीज़ें वेस्ट नहीं होती, देखो ये गाय पे चले जाए, जो चावलों का पानी हुआ है ना ऊपर का ये सब वहाँ पे गाय के आगे चले जाए भैंस के आगे, लेकिन यहाँ पे तो शहरों में तो ऐसे ही वेस्ट हो जाए। तो चलिए जी अभी बन रही है हमारी वीडियो में एंड तक, अभी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बन चुका है। ये हो गए पनीर, अभी नहीं डाल लगा है, आटा बना है और चावल बन गए, और जी चावल इधर बन चुके हैं, ये भिगोने में जिता दिए जाएंगे, चलो जी अच्छी बात है बढ़िया, और पनीर इधर बनने लग रहा, पनीर तो मैं इससे पहले उन्होंने फ्राई कर दिया, हाँ सारा सामान सब छोंक रखा, बस ये है कि ग्रेवी पकनी रह गई, और हम आपको किचन दिखा देते हैं, ओपन किचन है ये देखो, ओपन किचन ही बनवाते हैं, हाँ अब जो नए मकान बनाता है तो ओपन किचन ही बनवाते हैं, अच्छा लगता है, तो जी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा, लड्डू बेटा हट जाओ, और इसने देखो एक ना पनीर उठा लिया, एक ना टमाटर उठा लिया, दीदी देखो तो एक ही विरान कर रही किसी के टमाटर, तो बन गया डाल दिया इसमें पनीर आपने,
और जिसमें पनीर डाल दिया गया है। पनीर की सब्जी हो गई है, तैयार होगी। और ये देखो पनीर, मखाने डाल रखे और जो मटर वगैरह, तो पनीर पनीर ही निकाला घर घर का क्योंकि इनकी डेयरी है ना दीदी। हाँ डेयरी है, डेयरी है इनकी, तो पनीर वो भी दीदी कह रही कि चोखा होना चाहिए और कन्नू जब से लगा हुआ है जो है। दीदी अभी चाय छानने लग रही है, कपों में कर रहे हैं, तो अभी लेके जाएंगे अंदर कमरे में क्योंकि सभी वहाँ पे बैठे हुए हैं। नाश्ता हमारा लग चुका है, ये रहा नाश्ता, नमकीन है, बिस्किट है और जी चाय है, खाना भी बन गया। पहले नाश्ता करेंगे और जी फिर चाय खाना खाएगी और जी। तो अभी यहाँ पे लोटे में करी जाएगी चाय और एक्स्ट्रा, क्योंकि गाँव वाले आदमी है थोड़ी चाय ज्यादा पीते हैं। बात वो है कि ये सारी हर चाय लोटे में, हाँ जी, पहले और फिर मैं अच्छी बना है कड़क है। और जी मैं ट्रे ढूंढी कहाँ पे है ट्रे, क्योंकि अब किसी के घर में जाए तो एकदम से पता नहीं लगता, नहीं होगी ट्रे तो थाली में लेके चले जाएंगे दीदी, होगी ट्रे तो होगी। पूरी रसोई खेल दी हमने इनकी और जी मिल गई है, देखिए ढूंढने से मिल जाते हैं भगवान जी। ये तो ट्रे ही है, ये तो ट्रे ही है कहना जो भगवान जी मिल जाए ढूंढने से। तो चाय लगा दी है और वंदना लेकर के जा रही है सभी के लिए चाय। चलो जी हम भी आ रहे हैं, नाश्ता लेके आ रही हूँ मैं। और बस मैंने भी नाश्ता यहाँ पे लगा दिया है, पहले तो लोटे की जो चाय है उसको ढक देते हैं कटोरी कटोरी से। और अभी बस नाश्ता, नाश्ता भी मैंने जाते चाय यहाँ पे यही वाला कमरा, तो नाश्ता ही करके चली जाएगी, बस चम्मच रहेगी इसमें वंदना चम्मच तो भूल ही गए। बैठ चुके हैं नाश्ता करने के लिए और जब पूरी फैमिली बैठती है साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। हमने ढूंढ ली फिर भी ट्रे जो जा रखी थी हमें गति करनी पड़ेगी चाहेंगे। अभी मैं इधर रोटियां बना रही हूँ और इधर वंदना जो है थाली लगा लगा करके दे रही है पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, राय दही और रोटी और चावल, सब की सब चीज़ें लगा करके दे रही है। और थाली जो है उनकी दूसरी थाली लगने जा रही है, पहली जो थाली हमने लगाई थी वो दरबार में भोग लगने के लिए चली गई है, तो अभी दूसरी थाली है, दूसरी थाली है आशीष के लिए जो दीदी का लड़का यानी कि हमारा भांजा है। जो थाली जो है लग चुकी है, आइए और आप भी खाइए हमारे साथ पनीर चुके हैं छत पे, तो छत पे भी ऐसे ही बना हुआ है घर जैसे नीचे है, तो इधर भी ये देखो यहाँ मतलब की खुला जो हॉल है वो नहीं छप रहा वैसे है। यहाँ पे थोड़ा स्टोर रूम सा जो बहू का सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अभी अभी हुई थी शादी, हमने आपको वीडियो में दिखाया था दिसंबर की बात है उसकी। ये देखो यहाँ पे वॉश बेसिन और इधर ना बस्ती आ रही अच्छी है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है इधर जिंजाना में। ये अभी प्लॉटिंग हुई है, यहाँ पे सेल हुआ है प्लॉट, किसी ने लिया है। ये देखो अभी हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो यहाँ पे है ये घर आए वो। चलो जी अन्नी का बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय, मैं जा रही हूँ, मेरा बच्चा भूखा सुबेगा कुछ नहीं कुछ, बस ये आगे का कुछ थोड़ा बहुत वैसे टमाटर वमाटर खा लिए इसने। मम्मी तो पहले ही जा ली उतर के आराम आराम से। जी अभी चलते हैं नीचे और अभी दीदी अभी आने लग रही, सबकी सबके सब देख लो आराम से, सबकी बन रही है तो चलते रहो वो भी रहेगी। आओ चलो आ जाओ बाबू जी। गाइस अभी जो है हम आ चुके हैं घर, टाइम हो चुका है 5:20, तो जी हमें कम से कम 10 मिनट लगी आने में यहाँ पे। और जी अभी जो है बस कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और जी वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा सभी को,
तो वानिका ने जो है पोटी कर दिया है अभी उसकी पहले पोटी साफ होगी और जी फिर उसे कपड़े चेंज किए जाएंगे। तो अर्णिका अभी अपने दादाजी के पास है, वहाँ पे नीचे ही रह गई वो। तो चले गाइस अभी अपनी वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक कर जरूर कर देना। तो जी अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी लगे। तो मिलते हैं आपको अपने कच्चे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।